नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल प्रोसेसर के बारे में। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है, अभी लाना चाहते हैं 5 नैनोमीटर या उससे नीचे का टेक्नोलॉजी तक लाना चाहते हैं कंपनियां, उस पर बहुत ही कॉम्पिटिशन है। अभी तक चल रहा था 7, 8, 10, 12 नैनोमीटर तक चल रहा था, मगर लेटेस्ट जब से 5G आया है उसके बाद अब देख सकते हैं 5 नैनोमीटर से भी कम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 5G मोबाइल ले तो ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए शुरू करते वीडियो विदाउट डिले। बिफोर दैट डू सब चैनल एंड वॉच टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मोबाइल का स्पीड डिटरमिन करने पे सबसे बड़ा पॉइंट होता है उसका आर्किटेक्चर, सेकंड आता है उस पर कौन सा चिपसेट टेक्नोलॉजी लगा है, थर्ड है उसका नंबर ऑफ कोर्स। इतने फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन करता है वो जो प्रोसेसर कितना फास्ट पर चलेगा। तो सबसे पहले आता है आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर पर ये जो प्रोसेसर बना है। एक कंपनी है ARM, ये लाइसेंस करता है एक आर्किटेक्चर इन कंपनियों को, जो कंपनियां प्रोसेसर बनाते हैं उनको एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्चर देता है ये जो कंपनी ARM कंपनी। ये जो लाइसेंस्ड आर्किटेक्चर है इसका बेस पर अलग कंपनियां जैसे कि एप्पल, क्वालकॉम, सैमसंग, मीडियाटेक, ऐसी कंपनी अपने खुद का टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोसेसर बनाते हैं। यहाँ पर आता है सेकंड पॉइंट, कौन सा चिपसेट टेक्नोलॉजी यूज किया है ये जो प्रोसेसर बनाने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रास्ट पर आप देख सकते हैं बहुत सा लाइनअप अवेलेबल है, 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, 8, 10, 12, ऐसी चिपसेट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको देखना चाहिए जितना ये कम होता है ये जो नंबर, उतना ही इसका स्पीड बढ़ेगा, उतना ही इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। मतलब हुआ कि एक प्रोसेसर पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर देखिए एप्पल का एक प्रोसेसर है एप्पल A14 बायोनिक प्रोसेसर, इस पर होता है 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। अब ये जो ट्रांजिस्टर का साइज कितना भी कम किया जाए उतना ही बेहतर है स्पीड अचीव करने के लिए। स्पीड अचीव करना और हीट कम करना ये तो पॉइंट है आपका प्रोसेसर का एफिशिएंसी बढ़ाएगा, क्योंकि 5G आ गया है उसके बराबर आपका प्रोसेसर का स्पीड भी बढ़ाना जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए जितना डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड है 5G पर उसके बराबर आपका डाटा को प्रोसेस भी करना पड़ेगा, इसलिए ये जो नेटवर्क स्पीड है उसके बराबर आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस भी बढ़े। इसके लिए आपको ये जो टेक्नोलॉजी चिपसेट टेक्नोलॉजी बदलना ही होगा, 7 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर ही बेहतर होगा या उससे कम किया जाए उतना ही बेहतर होगा आपको स्पीड अचीव करने के लिए। यहाँ पर एक और फैक्टर है नंबर ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ कोर्स आपका जो प्रोसेसर के अंदर कितना भी है उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रोसेसर कितना एफिशिएंट है। कोर का कंसेप्ट है कि आपका जो प्रोसेसर का एंटायर चेंबर है उसे डिवाइड कर देते हैं। ये जो डिवाइड किया है हर एक को कहते हैं कोर। जब एक टास्क मिलता है प्रोसेस करने के लिए ये जो टास्क डिफरेंट कोर को बांट देता है या डिफरेंट कोर्स को मल्टीपल टास्क दे देता है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग एफिशिएंटली हो जाता है और आपका प्रोसेसर का एंटायर एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। इसका एडवांटेज जब कभी भी टास्क आता है उसे क्यू पे नहीं होल्ड किया जाता है, कोई ना कोई कोर को बांट देता है जिसकी वजह से उस कोर का पावर के हिसाब से उसे प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है। ये मल्टीटास्किंग का एफिशिएंसी अच्छी तरह से बढ़ाएगा। एक और है मल्टीथ्रेडिंग, मतलब हर एक कोर पर डिफरेंट थ्रेड्स अप्लाई करना, ये भी एक एफिशिएंसी बढ़ाने का काम है। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं मल्टी कोर। एक मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर का हर एक कोर पर डिफरेंट पावर होता है। इसका एडवांटेज है कि जब कभी एक लो पावर टास्क आता है तो उसे लो पावर्ड कोर पर भेज देता है, जिसकी वजह से पावर एफिशिएंटली उसे प्रोसेस कर देगा। जब कभी भी हाई पावर टास्क आता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इन हाई पावर कोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से आपका पावर भी यूटिलाइज अच्छी तरह से हो जाएगा। 5G पर आपको मैक्सिमम स्पीड मिले इसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो कोई भी प्रोसेसर बनाता है वो सब 5 नैनोमीटर या उससे कम के लिए ट्राई कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं 5 नैनोमीटर कौन कौन इम्प्लीमेंट कर चुका है। इनमें पहले आता है आप देख सकते हैं एप्पल का A14 बायोनिक चिप है, वो 5 नैनोमीटर बेस्ड है, जिस पर आता है अप्रोक्सीमेट अराउंड 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। इसका सूटेबल मेमोरी है LPDDR4X मेमोरी। सेकंड आप देख सकते हैं क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 888, ये जो प्रोसेसर 5G सूटेबल है ये भी 5 नैनोमीटर बेस्ड ही है, इस पर भी सूटेबल मेमोरी है LPDDR5 मेमोरी। सैमसंग की तरफ से भी आप देख सकते हैं एक्सिनोस 1080, ये भी एक 5 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है जिस पर सूटेबल मेमोरी है LPDDR5 या 4X। 5 नैनोमीटर बेस्ड एक और प्रोसेसर आप देख सकते हैं HS सिलिकॉन किरिन 9000, ये जो प्रोसेसर भी 5 नैनोमीटर बेस्ड है आप देख सकते हैं, इस पर भी सूटेबल मेमोरी है LPDDR5, इस पर सूटेबल है 8MB कैश आता है इस पर भी। 5G सूटेबल करने के लिए मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डेमेंसिटी 1000 एक प्रोसेसर है, वो एक 7 नैनोमीटर प्रोसेसर है मगर 5G सूटेबल है, इस पर भी सूटेबल मेमोरी है LPDDR4X। एप्पल का जो लेटेस्ट F14 बायोनिक चिप है उससे पहले आता था A13 बायोनिक चिप, इस पर आता था 8.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स, जो नया है उस पर है 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स।
तो उतना स्पीड और एफिशिएंट होगा जो नया प्रोसेसर A14 बायोनिक चिप जो 5G एनेबल्ड है। ये जो प्रोसेसर बना है 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। कहने का तात्पर्य है, अगर आप चाहते हैं कि 5G का पूरा एडवांटेज आप ले, तो आपको चुनना चाहिए एक प्रोसेसर जो बेस्ड है 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर चाहिए। हो सके तो आप चुने 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर। इससे क्या होगा कि आपको जैसे डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड मिल सकता है एज कम्पेयर टू 7, 8, 10, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर। तो दोस्तों इतनी बात है, आपको प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी और नंबर ऑफ कोर्स इतना डिटरमिन करता है आपका प्रोसेसर कितना स्पीड पर चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा मोबाइल प्रोसेसर के बारे में, 5 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर के बारे में बात किया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।